हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं काफ़ी दिनों बाद जो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस व्लॉग अपना अपलोड किया था ना, तो वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से उसका टाइटल वगैरह जो है सब कुछ बड़ी मुश्किल से मैंने टाइप करके, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अपलोड किया था, क्योंकि उस दिन से मेरा मोबाइल जो है ना ये ख़राब हुआ है, मतलब फ्री हो गया है ना, इस पर कुछ चलता है कुछ समझ नहीं आती। पहले इस साइड से ब्लैक हुआ था, उसके बाद ये लाइंस आ गई इसके ऊपर, ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। इवन के फ़ोन कॉल्स वगैरह भी अटेंड नहीं हो रही थी, कोई मैसेजेस आ रहे थे स्कूल से एकेडमी वगैरह से, तो कुछ भी जो है ना शो नहीं हो रहा था इसके ऊपर। मतलब ओपन करती थी तो मैं या बंद हो जाता था इस तरीके से, तो या फिर जो है वो मतलब ओपन ही नहीं थी होती चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा मैं मुश्किल में रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा डाटा था, वीडियोस थी, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे इसके अंदर जो मैंने अभी वीडियोस अपलोड करनी थी, मैंने बना के रखी हुई थी, तो वो सब कुछ जो है ना बस ख़त्म ही हो गया एक तरह से। और जब से मैंने ये मोबाइल लिया ना, तब से मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि ये स्टार्ट से ही सेट जो है ना सेट नहीं था बैठा। पोको का मैंने मोबाइल लिया था, तो मतलब तब तो थोड़ा मुझे रिजनेबल मिल गया था, लेकिन जो है ना इसने मुझे ये 8 माह पहले भी, ये इस साल के स्टार्ट में ना 2023 के, तब इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की थी और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो गया था इसको रिपेयर करवाने में मुझे। अब मुझे लगता है अगेन जो है ना वैसा ही प्रॉब्लम हो रहा है फिर से, तब भी बंद हो गया था और अब बंद तो नहीं हुआ टोटल, लेकिन जो चल ऑन तो हो जाता, लेकिन जो है ना ऑन ऑफ होने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है कितने दिनों से मेरे, तो बड़ा ज़्यादा परेशान किया हुआ था इस मोबाइल ने। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने जो न्यू मोबाइल लिया है ना, इससे मैं फ़र्स्ट वीडियो अपनी बना रही हूँ, और इंशाल्लाह आज जो मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो इनफिनिक्स का मैंने नोट 11 लिया है, तो मुझे नहीं पता मोबाइल के मामले में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा अच्छा रहता है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं। बस ये भी मैंने यूज़ में लिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बंदा क्या करे। वैसे भी इतनी महंगाई है, जब बच्चे भी पढ़ रहे हों साथ तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी चीज़ों को हैंडल करना। और तकरीबन मुझे इसको 2 दिन हो गए लेते हुए लिए हुए, और 2 दिन से मुझे वो ना वो टोटली मेरा डेड पड़ा हुआ था, तो कोई यूज़ में नहीं था, तो मुझे वो आदत ही हो गई कि ना बस कोई मोबाइल में यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई फ़ोन कॉल नहीं आनी, कुछ नहीं है, बस मैं बिल्कुल फ्री हुई थी कि कोई काम नहीं है बस। लेकिन जो ना मैंने कहा नहीं, जो है ना मैंने चैनल को मोनिटाइज हुआ हुआ मेरा चैनल है, तो उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो वगैरह बना के डालूँ, कुछ करूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को मोटिवेट किया मैंने, क्योंकि मेरा भी कोई दिल नहीं था करने का, तो मैंने कहा चलो मोबाइल के ऊपर ही वीडियो बना लेती हूँ, और कुछ नहीं, मुझे कुछ समय नहीं था आ रहा। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है कि मैंने अब नया कॉन्टेंट जो है ना वो इंशाल्लाह बनाना है, वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और सिर्फ इसके साथ ना चार्जर था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि आजकल जो कहते हैं कि बस वो सी टाइप चार्जर ही होता है और कुछ भी इसके साथ अवेलेबल नहीं होता। तो हैंड फ्री मैं पहले भी नहीं यूज़ कर रही थी, कोई एयरपोर्ट कुछ भी नहीं यूज़ कर रही थी, तो अभी भी मैं फ़िलहाल जो है फर्स्ट वीडियो ऐसे ही बना रही हूँ। अब देखूँगी इसका कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नोटिस करूँगी, तो फिर जो है ना चलेगा बता के क्या हिसाब किताब है। तो जी यहाँ पे मैंने दलिया बना के रखा हुआ था दादा लोग, क्योंकि वो नाश्ते में दलिया खाते हैं, और अक्सर मैं रात को ही बनाती होती हूँ, लेकिन आज दोपहर को जब मैंने खाना बना रही थी ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो साथ इसको भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैं इसको पकाती हूँ खीर की तरह बन जाता है बिल्कुल ही ना, तो फिर वो नाश्ते जो है इसी के साथ करते हैं, मसरा भी यही खाती है दलिया ही, तो बस ये मैंने ये दलिया बनाया है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए अभी पंखे के नीचे रखा है, ताकि जो ठंडा होता है तब इसको फ्रिज में रख कर दूँगी। उसके बाद जो है ना मैंने गर्मियों से खाने के लिए जो है ना मैं टिंडे बनाए थे, अचार ही टिंडे अपने, जो थोड़े से बचे हैं अब, मसाला सा ही बनाया था, बच्चे जो ऐसे शौक से खा लेते हैं, तो बस अचार का जो मसाला पड़ा होता है ना प्रीवियस जो होता है पुराना पिछले साल का चार, उसका सारा मसाला जो है ना आलू गोभी हो, टिंडे हो, या फिर जो है कोई मतलब सूखी सब्जी है ना उसमें मैं डाल देती हूँ, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, वैसे बड़े नफरत खाते हैं खाने में, तो ये बड़ा आजमुदा नुस्खा है। तो आज ना मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं था मिल रहा, तो मैंने सोचा चलो आज इसी टॉपिक पे बना देती हूँ मोबाइल पे, स्टार्ट तो करूँ ना एक बार, चलो नेक्स्ट तो देखी जाएगी। तो बस जी आज की वीडियो थी बस यही तक, सिख समझ दीजिएगा, ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, मैं इसको समेट हूँ अब, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।